यार ये तो मुझे लेनी है। Okay, so my name is Raj, 94.3 My FM पर मैं शो करता हूँ 2 से 5 दिल चाहता है और मेरा शो और हमारी टैगलाइन सिर्फ एक बात कहती है जियो दिल से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम दिल से जीना शुरू करते हैं तब सलमान अलमान को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम इतनी ऐश क्यों कर रहे हैं। Okay, so आज 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए हम लोग दिल से जीते हैं, ठीक है। तो हम हर किसी के पास एक बहुत ही स्पेशल नाम होता है जो वो अपने दोस्त को नहीं बता पाते फॉर सम रीजन। आप यहाँ पे आए होंगे, कोई ग्रीन कोई पिंक नजर आया होगा, आप नाम पूछ नहीं पाए होंगे। तो जब मैं बोलूंगा जियो ओ ओ दिल से तो आप उस एक खास इंसान का नाम लेंगे जितनी कस के ले सकते हैं आप। जियो ओ ओ दिल से। क्या यार, अगर इतनी कस के आप बोलोगे तो यहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई है जो इंप्रेस होगा। वंस अगेन जियो ओ ओ दिल से। चलिए एक और नाम जो आपके बहुत करीब होता है। आज यहां पे मैं आपके साथ बहुत सारे गेम्स खेलने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं मेरे पास। लेकिन ये प्राइजेस जाएंगे किसके पास? ये प्राइजेस उसके पास जाएंगे जो दिल से जीता होगा और जो यहां पे जीत सकता होगा। और आप में से खेलेगा वो गेम मेरे साथ वो इंसान
जो अपने कॉलेज का नाम सबसे लाउडली ले सकता होगा। तो जब मैं बोलूंगा जियो दिल से, अपने कॉलेज का नाम लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये कॉलेज का नाम आपकी आवाज के थ्रू ही पहुंचेगा। सो जियो ओ ओ दिल से। ओके, सो सबसे पहले मैं आर्या कॉलेज से किसी एक ऐसे बंदे को यहां पे इनवाइट करता हूं जिसके कंधे से ज्यादा लंबे बाल हो। आर्या कॉलेज में कोई लड़का है जिसके कंधे से ज्यादा लंबे बाल हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, और मैं यहां पे आर्या कॉलेज से एक ऐसी छोरी को इनवाइट करूंगा जिसके एक से ज्यादा चोटियां होंगी, एक से ज्यादा चोटियां जिसकी होंगी, वो छोरी यहां पे आ सकती है। ओके, व्हाट्स योर नेम? लवनीश शर्मा। नाउ लवनीश, सबसे पहले तो अपना नाम ऐसा अच्छा सा रखा है लवनीश, और उसके बाद ये कह रहा है सर जी आपने ये अच्छा नहीं किया है। ओके, अभी बहुत कुछ अच्छा होना है आपके साथ। कम ऑन, आर्या कॉलेज की छोरियां, कोई यहां पे नहीं है जिसके पास एक से ज्यादा चोटी हो। ओके, तो अब जिस छोरी का नाम लवनीश लेगा उसको स्टेज पे आना पड़ेगा। सर मुझे दिख तो नहीं रही है पर पता नहीं, मैं आंख बंद करके किसी पे हाथ रख दूं, मेरा मन कर रहा है ऐसे। ओके, आपने इधर हाथ रखा, उधर एक ने आपने सर पे हाथ रख लिया, मैडम जो कि व्हाइट में स्पेक्स पहना हुआ है। यस एग्जैक्टली यू, प्लीज कम अप, प्लीज कम अप, प्लीज कम अप। अब तो आ गई भाई, अब मुझसे कह रहा है वो रेड वाली को। ओके, अच्छा अब मैं यहां पे इनवाइट कर रहा हूं एक ऐसे कॉलेज से जिस कॉलेज का नाम एम से स्टार्ट होता हो, एम फॉर माय होता है। एम से कोई कॉलेज है जो यहां पे स्टार्ट होता है जिसका नाम, ओए हाँ या ना तो बोलो, तो फिर आ जाओ एक उस कॉलेज से एक छोरा जिसके सबसे लंबे बाल हो। कम ऑन डूड्स, बी फास्ट, और अपने साथ साथ एक छोरी को भी लेते आना। नहीं नहीं हाँ, यहाँ तो आजकल कोई भी कपल हो सकता है, सो कपल वपल वाला नहीं है, एक छोरा एक छोरी चाहिए। प्लीज कहाँ पे हो भाई? ओ माय माय, अच्छा कोई यहाँ पे जिसके लंबे बाल हो और ब्लू कलर की टी शर्ट में हो, काम फास्ट। ओए जल्दी आओ यार, शर्माने का टाइम नहीं है अपने पास। कौन है कौन है, कस के नाम तो लो यार, आइए आइए। ओके, व्हाट्स योर नेम? पंकज बत्रा। पंकज कौन से कॉलेज से हो? आर्या कॉलेज। आर्या कॉलेज से ही हो? यार सारा दम आर्या कॉलेज में ही है यार। ओके, आई जस्ट गेस कि मैं जो इनसे करवाने वाला हूं उसके बाद भी आप लोग ऐसे ही तालियां बजाओगे। नाउ आई वांट सम गर्ल, चलिए मैडम वो जो रेड में है, ऐसे ऐसे जो बैठे हुए थे ऐसे, कम कम कम, गाइस आप लोग जो पीछे चिल्ला रहे हो आप सबसे ज्यादा खुश लवनीश है। हाँ रेड वाली आ गई अब तो। ओके, जब तक मैडम यहां पे आते मैं बताता हूं आपको करवाना क्या वाला हूं मैं इनसे। मैं इन सबको दूंगा ढेर सारी रबर बैंड्स, और इनको करना कुछ नहीं है, ये जो सुंदर सुंदर छोरे हैं यहां पे इनकी चोटियां बनानी है, और एक मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा चोटियां बनाएगा दैट पर्सन इज गोइंग टू बी विनर, दैट सिंपल। एंड आर्या कॉलेज आप बजाना तालियां। ओके भैया जी रबर बैंड दीजिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, रबर बैंड्स। ओके ओके, एंड लेट मी टेल यू गर्ल्स, इन लड़कों को कुछ नहीं मिलने वाला है बिकॉज मेहनत आप लोग करोगे, ये तो सिर्फ मैनीक्विंस हैं बैठी हुई है आराम से। ओके नहीं आपको भी कुछ करवाएंगे। ओके आपके पास आपको जितनी सारी चोटियां आप बना सकते हो आप, एंड इफ यू विन वी हैव लवली रिस्ट वॉचेस फॉर यू, जो भी आप में से जीतेगा। ओके सो एक आप इधर बैठ जाइए सर, बैठूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे 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 लवली। हाँ बस चोटी चोटी बनानी है बस, कैसी भी पोनी टेल हो फ्रेंच टेल हो कोई भी, आइए
ओके सो गर्ल्स, आपके बीच में ये पड़ी हुई है आपकी रबर बैंड्स। जस्ट जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तब फिर आप स्टार्ट करोगे और मुझे कौन बताएगा आप में से कि एक मिनट खत्म हो गए हैं? आप सब बताएंगे वहां पे पीछे वाले बताएंगे ना? ओए तुम लोग इतने सीधे नहीं हो ये मुझे मालूम है, तो मैं टाइम खुद ही देखूंगा। ओके सो गर्ल्स योर टाइम स्टार्ट्स। लेकिन यार जब तक ये लोग चोटियां बनाएंगी तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्या देखेंगे? अच्छा ऐसा करते हैं, आप में से किसी को कोई गाना वाना आता है? किसी को पल्लो लटिया आता है? कोई राजस्थान की शान छोरा जिसको पल्लो लटिया आता है? वैसे इसमें शान की कौन सी बात है मुझे नहीं मालूम, बट फिर भी कोई शान जिसको आता है? ओए यार अच्छा आपको ये गाना आता है, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया? कूल cool! इसके लिए तो जितनी देर ये लोग चोटियां बनाएंगे हम लोग गाना गाएंगे प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। ओके सो गर्ल्स योर टाइम स्टार्ट्स। नाउ ओके 1 2 3 प्यार हमें किस यार ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। ओके सो अब ये माइक का पावर भी मैं आपको दे रहा हूं, अब इतनी कस के आवाज आनी चाहिए कि आमेर फोर्ट को भी लग जाए कि आज आर्या कॉलेज में कुछ है। ओके सो 1 2 3 प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, क्या दिल करे हाय कोई जो बचाए क्या होगा। ओए ओए आगे भी गाओ यार, कम ऑन लाउडली। चलो गर्ल्स नाउ इट्स योर टर्न स्टार्ट। प्यार हमें कि दिल करे कोई ये बताए क्या होगा। ओए एक बार और सीढ़ी बजाना तो टाइम ओवर करते हैं यार। ये अभी बात, थैंक यू लेडीज। ओके आप लोग आर्या कॉलेज से ही हो, क्या हमारे टीचर्स में से कोई हैं जिनको हम लोग यहाँ पे इनवाइट कर सकें स्टेज के ऊपर? टीचर्स में से कोई हैं? ये कह रहा है सर क्लास अटेंड नहीं करी सर, टीचर्स को पहचान में नहीं आ रहे अभी। लवे तू पहचानता है कोई टीचर्स में कोई क्लास जो तूने अटेंड की हो? फिर से मैं वही करूंगा आंख बंद करके आ रहा हूँ। हाँ मैम को बुलाना है, मैम को सेकंड नंबर। मैम नाम क्या है? मैं जानता नहीं हूँ। लो सो मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, वी हम्बली रिक्वेस्ट यू। गाइस अ लाउड क्लैप फॉर मैम। ओके सो व्हाट्स योर नेम? श्रुति, श्रुति बोहरा। श्रुति व्हाट डू यू फील, आपने कितनी चोटियां बनाई बिना देखे? अबाउट 10। आपने 10 to 12। अमेजिंग, और आप दोनों में से कोई भी चोटियां नहीं बनाता है। मैम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मैम अब तो ये स्टूडेंट्स के सामने मुझे शर्म आ रही कि इनको नाम नहीं मालूम है, बट प्लीज योर नेम। जयश्री तवर। जयश्री तवर। नाउ यू नो द नेम। क्या नाम लिया मैम ने? ओ यार प्रोनाउंसिएशन सही करो, क्या नाम है? ओके सो अब मैम के साथ हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे जस्ट टू बी फेयर कि किसके सर पे कितनी ज्यादा चोटियां हैं। आई एम सॉरी बॉयज। ओके सो सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं। इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ओके अब देखते हैं इधर सर पे कितनी चोटियां हैं. इट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Woo! 1, 3, 13. तो जीता कौन? 1, 5, 15. Woo! ओए ताली बजाओ यार कस गए कमान. And one loud clap for Arya College. Okay, so Bhaiya ji, gift laiyega please. Okay, so Jayashree ma'am will present this special token of love and trophy as a winner to. आप इतनी चोटियां बनाने के बाद कुछ कहना चाहती हैं? नहीं. आप कभी दोबारा चोटियां बनाएंगी? लड़कों अपनी या खुद की? अपनी तो बनाऊंगी, लड़कों की नहीं. ओए ऐसा क्या कर दिया इस बच्चे ने? हाँ यार ये तो चुपचाप करा दे यार, लड़कियां कुछ भी बोल देती है. बट थैंक यू सो मच लेडीज, थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू. ओके द नेक्स्ट गेम जो हम लोग आपके साथ खेलने वाले हैं, दैट इज अ लॉट अबाउट सिंगिंग. बट अगेन मेरे सिंगिंग कहते ही आप एकदम से खुश मत हो जाना यार, अपन तो मोहम्मद रफी हैं, हिमेश रेशमिया हैं अपने कॉलेज के, क्योंकि आप यहाँ पे कितना भी नाक से गाओगे यहाँ पे एक ट्विस्ट. सो सबसे पहले एज द रूल ऑफ द गेम मैं इनवाइट करूंगा दो बॉयज जो कि आर्या कॉलेज से नहीं है. प्लीज दिस गेम इज फॉर द गेस्ट. मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी जो लोग दो गाना गा सकते हैं और आर्या कॉलेज से नहीं है प्लीज आ जाएं. जो भी दो लोग पहले आते हैं दे आर गोइंग टू बी माई पार्टिसिपेंट्स. बॉयज कम ऑन बी बॉयज यार, कम ऑन आओ तो यार, वहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. कम ऑन फास्ट, कम ऑन. दो बॉयज जो कि आर्या कॉलेज से नहीं है एंड कैन सिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड टू गर्ल्स जो कि आर्या कॉलेज से नहीं है एंड कैन सिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज. यार अगर मुझे नीचे आके ढूंढना पड़ा तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी यार. आ जाओ कम अप कम अप कम अप. कोई आ रहा है? किसी में इतना दम नहीं है. आर्या कॉलेज में आते ही सबकी हवा निकल गई. नहीं निकली ना तो आओ ना, कम ऑन. ओए यार आर्या कॉलेज आपके मुकाबले में 11th क्लास का स्टूडेंट है, कम ऑन. वू समबडी एल्स समबडी एल्स. अच्छा फिर मैं अगर नीचे आऊंगा तो फिर मैं जिसके पास भी आ जाऊंगा फिर उसको गाना गाना पड़ेगा. प्लीज कम अप. ओके अब मैं ही आ रहा हूं. हाँ ये बोला ना, आ जाओ यार, तू वहां से बोलेगा यहां नहीं आएगा. ओके आप ऐसे यहां पे कोई जो भी आर्या कॉलेज से नहीं है प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स. आप सब लोग आर्या कॉलेज से हैं? आप सब आर्या कॉलेज से हैं? कोई भी यहां पे किसी और कॉलेज से नहीं है? कम ऑन. आप में से कोई जो आर्या कॉलेज से नहीं है? आप सब आर्या से हैं? एक एक शेर काफी होता है यार पूरे जंगल के लिए. आप सब लोग आर्यन से हो? कोई भी ऐसा नहीं है जो आर्यन के अलावा किसी कॉलेज से हो? ओके ओके तो फिर मुझे चूज करना पड़ेगा कौन वहां जाएगा और गाना गाएगा. तो ओके आप में से इधर किसी ने हाथ उठाया था अभी? किसी ने हाथ उठाया था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गेट अप प्लीज. आप स्टेज पे पहुंच जाइए. यहां पे हम लोग कुछ चिड़ी की पिंकी ऑन द स्टेज. ओके एंड गर्ल्स वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता हूं, वहां पे कोई मुझे एक चाहिए वरना मैं पिक कर लूंगा. ओके आर्यन सोना बट यू कैन कम बिकॉज आर्यन के अलावा और कोई नहीं है.
यार यहाँ पे मुझे इतनी भीड़ में कोई दिख रहा है जिसका मूड एकदम भन्नाट गरम है, एकदम भन्नाट, मतलब वो हंसना नहीं चाहते। अब थोड़ा सा हंसे, आ जाइए मैम आप। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, आइए आइए आइए, प्लीज कम अप। ओके भैया जी, जरा सा मेरे जो गिफ्ट्स हैं वो निकालिएगा। कूल, इसमें से एक एक पैकेट खोल दीजिए, चार पैकेट खोल दीजिएगा, दो पैकेट बिल्कुल खोल दीजिएगा। ओके आ गई मैडम, व्हाट्स योर नेम? आनंद गुप्ता। नरेंद्र कुमार। अंशुल। दीपाली गोखरू। ओके वेल, ये आप चिल्लाए किसके लिए थे, व्हाइट और पिंक? ओहो, वाइट के काफी सारे फैन हैं यहाँ पे। ओके नाउ लेट मी स्टार्ट द कॉन्टेस्ट। ओके कॉन्टेस्ट जो है वो बहुत सिंपल सा है, करना इन लोगों को ये है कि इनको अपनी पसंद का गाना गाना है। नाउ ट्विस्ट ये है कि मैं अपने साथ कुछ बिस्किट्स लाया हूँ फॉर एनर्जी, काफी एनर्जी डाउन है, तो ये इन बिस्किट्स में से चार बिस्किट जो है इनको अपने मुंह में दबाने हैं और उसके बाद अपना फेवरेट गाना गाना है। और इतना ही नहीं, आफ्टर ऑल मैं आप हम सब इनके दोस्त हैं और आर्या कॉलेज है, माय एफएम है, दैनिक भास्कर है, इतने सारे गेस्ट बाहर से आए हैं, हम सब भी इनके साथ गाएंगे, ठीक है? सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको बस ये चार बिस्किट खाने हैं और अपना गाना शुरू करना है, ठीक है? साथ में दबा के खाना है भाई, ठीक है? तो चलिए पहले कौन ट्राई करेगा, आप इसे शुरू करते हैं। नहीं नहीं मेरे हाथ से नहीं खाना है, खा आप अपने हाथ से सकते हो। हाँ जी, एक एक साथ ही, एक साथ मतलब हाँ मुंह में रखना है आपको, एक एक करके एक एक खाओ, जैसे बिस्किट खाते हो ना, हाँ थोड़ा च्यू कर लो उसको, थोड़ा सा चबा लो, हाँ लेकिन निगलना नहीं, मुंह में रखना है, रखो रखो जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ गुड फास्ट, और निगलना नहीं बिल्कुल भी, जल्दी 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 मुंह में रखिए, हाँ गुड गुड। ओके चलिए तीन तीन बिस्किट कर देते, आपका फेवरेट गाना, आइए 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 भैया आइए, आपका फेवरेट गाना तो बताइए भैया, इनसे तो गाना नहीं गाया जाएगा, अब आप में से कोई बता दो यहां से कौन सा गाना गवा लें, एक जन बोल दो भाई, आपको बिल्लो रानी आता है, बिल्लो रानी आता है आपको, हाँ अब ऐसे ही खाइएगा नहीं अंदर से वरना हमें ऐसे पकड़ना पड़ जाएगा फिर। ओके तो ये गाएंगे बिल्लो रानी। ओके वन टू थ्री स्टार्ट। टुक टुक देखे ऐसे देखे देखे आंखें फाड़ के, ये तो बता देखता है रे क्या तू, ये तो बता देखता है रे क्या, इतना याद आ अम्मा, इतने में तो तीन बिस्कुट नहीं वसूल होंगे, थोड़ा गाओ तो सही। ओके चलिए ये इनकी तरफ से गाना था, थैंक यू सो वेरी मच, और ये बिस्किट आप खा सकते हैं और पानी चाहे तो पी सकते हैं। ओके नाउ विल, यार अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम लोग तीन दिन बिस्किट इनको खिलाएंगे, ये तीन आप फटाफट खाएंगे, पहले गाना बताएंगे। हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, ओह माय माय माय, आप तो सेंटर स्टेज पे आइए सर, बहुत लोगों के दिल में ये गाना चल रहा होगा, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, अरे सर, आप सब बिस्किट को आप लोग ध्यान मत दीजिए, आप लोग गाने को तैयार है ना? ओके चलिए फटाफट, हाँ मुंह में ही रखिएगा, अंदर मत लीजिएगा इसको गले में, हाँ फटाफट फटाफट, हाँ हाँ फटाफट 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 मुंह में रखिए इसको। ओके शुरू कर दें गाना, वन टू थ्री स्टार्ट। हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, तुमसे बसे हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ है प्यार। आप में से कोई और भी है जो ये गाना अपने दिल से गाना चाहता है, एक बार बिना बिस्किट खाए
ओके तो लेट्स हैव इट, एक साथ गाते हैं, 1 2 3। हम तुमसे हुआ है प्यार, भाई ये बैठे बैठे आधे लोग तो अंगड़ाई ले रहे हो, खड़े हो जाओ यहां पहले एक बार फॉर मी प्लीज, एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। आप गाएंगे एक साथ, हमें तुमसे हुआ है प्यार, आप ही बताए। ओके आप भी बिना बिस्कुट खाए आप कुछ और ही अंदर चल रहा है आपके मुंह में। आइए सो नाउ वील स्टार्ट विद द गर्ल्स। सो गर्ल्स एक और ब्रैकेट खोलिए भैया। सो गर्ल्स आप कौन सा गाना गाएंगी? मेरे ख्वाबों में जो आए। हाय हाय आइए आइए। अच्छा नाम मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे नहीं, बट जो ख्वाबों में आता है यहाँ पे आया है? नो ओफो बॉयज यू ऑल हैव अ चांस टुनाइट, प्लीज ये रहे आपके 3 बिस्किट्स, आपको इनको फटाफट मुंह में रखना है, फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी से। हाँ ये वाला भी, ये वाला भी। लेडीज आई एम सो सॉरी आई एम नॉट दैट बैड। आइए ओके चलो हो गया हो गया। आइए बॉयज प्लीज सपोर्ट। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके सो हमारे आज के फाइनल कंटेस्टेंट आइए प्लीज। यार कोई और मस्त गाना। ओके गाइस लेट मी आस्क यू, आप क्या सुनना चाहते हैं? चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, डू यू वांट टू लिसन टू दैट? फिर कौन सा गाना गाएंगे? यू टेल मी आई टेल यू। ओके अब तो मेरी पसंद का गाना गाने जाने वाला है, तो मैं हमको हमी से चुरा लो ठीक है। ओके ये 3 बिस्किट्स आपके, हाँ एक एक करके आप खा सकते हो। लवली वेरी स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग बॉयज क्लैप फॉर हर यार। ओके चलिए स्टार्ट, 1 2 3 बॉयज हमको हमी से चुरा लो। हमको हम कहीं तुम छुपायो हम के हो जाए। दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगाओ। थैंक यू वू ओ गाइस आई टेल यू व्हाट, आप लोग अपने अपने हॉस्टल में जाना, 3 बिस्किट मुंह में रखना, एंड यू विल गेट टू नो इट कि ये कितना मुश्किल होता है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल दीज पीपल, कम ऑन यार। ये आपकी आप सही नहीं कर रहे हो, आर्या कॉलेज इतनी कस के चिल्लाते हो और तालियां इतनी धीमे बजाते हो। वंस अगेन ओके सो फॉर ऑल माय कंटेस्टेंट्स आई विल इनवाइट वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स। आप सब लोग आर्या कॉलेज से हो ना? ओके सो आपके कोई टीचर यहाँ पे हैं जिनको आप बुलाना चाहो? रेनू मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम। गाइस प्लीज वेलकम रेनू मैम। रेनू मैम यहाँ पे हैं, जाइए बुला के लाइए अपने फैकल्टी मेंबर्स को, जाइए जाइए जाइए। आ रही है रेनू मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम। यहाँ पे कोई साड़ी
मुझे सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प चाहिए. आपने इन सब का गाना सुना है एंड यू हैव टू चूज. नहीं मैम, आपसे हम बहुत ही सीधा और बहुत ही आसान काम कराएंगे. यू हैव टू चूज अ विनर अमंग द गर्ल्स एंड अमंग द बॉयज. सो आपको किसका गाना अमंग द गर्ल्स सबसे अच्छा लगा एंड अमंग द बॉयज? भैया जी, भैया हमारे भैया भी ऑन एयर रहते हैं जब भी जहां रहते हैं. Ma'am, we have these special gifts for the ladies. So, aajiye. Please, aap log bhi idhar aajiye. You are the. Okay, ma'am. This one is for the girls. So, jisko bhi aap. All the four participants were really good. I could have never done it if asked to do so. So, among the girls, I choose a girl in the white. How many of you are really happy for white? Please clap once again. Oh, white should be really glad, man. Okay, ma'am, and this one is for the boys. Boys, mein se aapko jo sabse acha laga ho. Congratulations, aapka naam kya hai? Narendra Kumar. Okay, so Narendra Kumar ne apna gana jo gaya tha bichare adhura gaake reh gaya. So I will request the winners to come here. And for once, let's have your real song in your real voice. आपका जो गाना आपने गाया था उसको एक बार आपके अंदाज में ले लेते हैं, ठीक है? Okay sir. कौन सा गाना गाया था आपने? Sorry, हमें तुमसे हुआ है प्यार. Please, guys, clap for him for हमको तुमसे हुआ है प्यार. हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताओ हम क्या करें? हमें तुमसे हुआ है प्यार. ओके बॉयज, गेट रेडी. हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो. हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं. पास आओ गले से लगा लो. बॉयज लाउडली, हम आपको आता ये गाना माइक दू तो गा पाओगे? ओके, सो टू ऑल माई कंटेस्टेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच. ओके, बिफोर आई पार्ट एंड आई मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, लेट मी टेल यू दैट दैनिक भास्कर इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड फॉर द इंटायर स्टेज. जब तक आप यहां पे इस इवेंट को कवर करने के लिए, दैनिक भास्कर इज देयर. 94.3 My FM, thanks you so very much for this pleasant evening, and we are surely going to be tomorrow also over here. And thank you so very much for the lovely experience which we had here for one last time. Woo! Arya College rocks. Maza nahi aaya yaar, maza nahi aaya. For one last time main bolunga आर्या कॉलेज, और आप बोलेंगे जियो ओ ओ दिल से. डू यू गेट इट? आर्या कॉलेज, आर्या कॉलेज, थैंक यू सो वेरी मच फॉर द लवली इवनिंग. टेक केयर. थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट. I would like to request all the Convo Control Club members to come to the stage. I would like to request Arvind sir to come to the stage to thank all the team members of the Convo Control Club.
I take this personal privilege to welcome the members of the convoy control. They really did a splendid job. I have not seen such a good collection of the bikes. And for this, I really thank them. And I really thank them for the initiative they have taken and they have the zeal they have shown. And the all the students are with them. Three cheers for them. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Thank you. And this is my personal vow. From the next year, we are going to call you every year on 18th of September. This we are going to make an annual feature, and I believe that you will be here to help us. Aap mein se koi bolna chahega? Good evening, everybody. We are highly obliged with the hospitality which we have received, and it has been a great pleasure for us. We'll definitely try our level best to be there everywhere for this enthusiastic zeal. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, sir, and thanks for your kind support. Thank you. Thank you to you all. Thank you, sir. Dr. Arvind Agarwal, sir, and Mrs. Pooja Agarwal, ma'am, and Dr. Arvind Aditya Agarwal, sir, and Professor M.L. Gupta, sir, and Professor D.K. Parihar, sir, on the dais. Kindly take your seats, sir. Okay. Chief guest is about to join us very soon. Within, without, all around I sense your presence, so permanent yet so transient. The reality fixture is such a mirage, where the spirit provides the charge. Thank you, O Divine, for showing me thy presence is not such a fake it. A very good evening to one and all. Before the sun says goodbye and moon says hi, we have enough time in between to celebrate the grand Shradhanjali 2009, the national level technical symposium come fest. There has been an effort to extrapolate references from history, culture, diversity and festivities of India and translate them into contemporary style and design. Now I take the proud privilege of welcoming our chief guest and distinguished galaxy of eminent personalities. Dr. Arvind Agarwal, sir, President Arya Group of Colleges. Mrs. Pooja Agarwal, ma'am, Director, Fortune School of Technology and Management, Singapore. And Professor M.L. Gupta, sir, Principal, AIET. And Professor D.K. Parihar, sir, Principal, ACERC. Now, there is not enough darkness in the whole world to put out the light of a single candle, be it the light of knowledge of our souls. The sky is ever blue, and the sun shines brighter too, and success comes smiling through when Shradhanjali 2009 begins with the lamp lit by you. I request the dignitaries
to enkindle the lamp in the name of Saraswati, the goddess of knowledge and education. I would request now for the recital of Saraswati Vandana. Thank you. Eminent personalities and dignitaries, well known in the country for their excellence and brilliance, are here with us, and the pleasure of welcoming them would be incomplete without floral welcome. And for this purpose, I invite Ms. Purva ma'am to present a bouquet
to Professor Emil Gupta, sir. Now I would invite Ms. Yogita ma'am to present a bouquet to Professor Parihar, sir. I invite Priyanka ma'am to present a bouquet to Dr. Arvind Agarwal, sir. I invite Mahima ma'am to present a bouquet to Mrs. Pooja ma'am. Pooja ma'am is director of Fortune School of Technology and Management, Singapore, BCom LLB gold medalist, vice president awarded, and presently she is looking to the overseas project of the new campus of Arya Group of Colleges, that is Fortune School of Technology and Management, Singapore. She is also MBA and PhD. Shradhanjali is a tribute to the founder chairman, late Shri T.K. Agarwalji. He laid the foundation of the Arya Group in the year 2000, fostering a dream of providing the nation with technically equipped manpower. His mission was carried forwarded by his sons, who have brought the Arya Group to these heights. The group is now providing education in the fields of engineering, pharmacy, management, computer applications, and applied sciences. The multiple arenas in which the group has expanded bears the testimony to a dream being fulfilled. That is the dream of founder, a great man with a vision to train the young minds into successful technocrats. Now, I would like to invite Professor M. Dr. Arvind Agarwal, sir, Dr. Pooja Agarwal, Professor D.K. Parihar, distinguished guests, my fellow colleagues, dear students, ladies and gentlemen. I extend my hearty welcome to all of you on this sparkling and pleasant eve of Shradhanjali 2009. Shradhanjali, as you are all aware, is organized every year on 18th and 19th September in the fond memory of Shri T.K. Agarwalji. We pay homage to him and remember his ideals. As I mentioned in the morning also, he has been the guiding force behind the Arya Group of Colleges. And as I mentioned earlier, Arya has gone global with Fortune School of Technology and Management at Singapore established in this session. And the director of the Fortune School is with us today, Dr. Pooja Agarwal. Arya has become a global name. After the inaugural ceremony, I had time to go around and see the different events which the students were engaged in. And it was really pleasant to see that the students were bubbling with enthusiasm and lot of vigor was there in them. I found that they had put in a lot of hard work, and that was really visible in almost all the activities I could see during the daytime. I once again wish this function
Shradhanjali 2009 to be successful, and we are going to see a lot of more events tomorrow, and I wish once again all the success to this and convey my thanks to the all the faculty members, students who have been really working hard to make it a success. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to invite Professor Parihar, sir, for a few words. Dr. Arvind Nagrawal, sir, Madam Pooja, Professor M.L. Gupta, distinguished guest, my dear colleague and dear students. We feel immense pleasure in celebrating Shradhanjali and organizing 8th national level technical symposium cum cultural fest. I welcome all the participants in this great event. The rapid expansion and progress of private technical education in Rajasthan are due to the initiative of late Honorable T.K. Agarwal Sahib, founder chairman of Arya Group of Colleges. Honorable T.K. Agarwal Sahib was an eminent engineer from Roorkee University. He was a great visionary. He established first private engineering college in the state of Rajasthan at Alwar in 1998. Then in the year 2000, he established the Arya Group of Colleges at Kukas, Jaipur. This important event, Shradhanjali, is for paying tribute to respected T.K. Agarwal Sahib. Shradhanjali is full of festivity and fills the student with enthusiasm. This kind of program offers the maximum opportunity to the student to groom their personalities and also to play leadership roles as fest organizers. Nothing can be better than college festival to improve one's communication skill. Various inter-college competitions organized during the fest also help students spot their hidden talent. Technical activities during the fest help the students to gain practical knowledge. This kind of program inculcates a spirit of togetherness and teamwork and develops the organizational capabilities and enhances communication skill of the students and helps in their personality development. Arya Group of Colleges is committed to facilitate high quality technical, management, pharmaceutical and science education in the state of Rajasthan. Aryans have thrust for innovation and committed to impart high quality professional education. This is evident in its continual growth, apparent in the remarkable achievements of our students. The recruitment of several final year and even pre-final year students by corporate giants like Infosys, L&T, Infotech, Tech Mahindra, Accenture, iFlex, Syntel, Persistent Systems have been possible because of the quality education, special industry-based program, dedicated and highly qualified faculty, strict discipline, state-of-art infrastructure, and modern and well-equipped laboratories. Aryans have performed well in industry and risen quickly in the corporate hierarchies. Arya Group of Colleges is certain to march ahead with great vigor on the path of success in all its ventures. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I would request Dr. Arvind Agarwal, sir, to give us a few words of inspiration. Thank you. Respected Parihar Saab, Principal, Arya College of Engineering and Research Center. Respected M.L. Gupta Ji, Principal, Arya Institute of Engineering and Technology. Dr. Pooja, my faculty members, honorable judges, and my dear students. This is indeed a great occasion to welcome you to such a good
cultural program. My dear students, I know you are getting restless. You want to see the program, but believe me, give us 2 minutes. We can give you a word of advice. We can tell you how to live a life. So I must say that engineering is all about building new technologies, building new things, innovations, and everything. But at Arya College, with the grace of my father, he told me that engineering is all about building wisdom, building character, building nation. It is not that we are opening engineering colleges and we are giving our student an academic atmosphere, but we want that our students should develop in all aspects of personality, all aspects of academics, and culturally and soft skilly they should be very well. My dear students, I take pride that we will provide you the best of the environment to build the character. This nation requires the best of the characters. Character means our strength, our discipline, a force which is dedicated for the development of the nation. Our nation requires your hand, your youth power, your energy. We have to build this nation as the greatest nation on the earth. I urge you, take these opportunities, learn from the Arya group of colleges, learn from us. We started very small. Our background was not that we had the money in our pocket and we started the venture. We never had the money in our pocket. We had only the dreams and the vision in our eyes. Please believe us, look at us, and start thinking that if, sir, and we can do it, why you cannot do it? Have faith in yourself, build character, build nation, and be a very good engineer. I take this opportunity to wish you that you become a great technical force in the nation, and you will work for the economic and the progress of the nation. Thank you. Thank you, sir. Before continuing with the program, on behalf of all present here, I would like to thank all the dignitaries for having spared their valuable time and saying wonderful things to our students and joining us in our festival. I now invite them to please join the audiences to watch one of the most popular events of Shradhanjali, that is Don the Mode.